झारखंड के जनपद सिमडेगा की कोलेविरा प्रखंड में गोवा से आए हुए प्रवासी श्रमिकों को कोलेविरा के स्थानीय युवकों द्वारा अल्प आहार और पानी की बोतल का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि 27 मई को सुबह 8 बजे से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलेविरा में लगभग 100 श्रमिकों का जामवाड़ा लग गया। उन लोगों को जाँचों उपरांत होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन भेजा जाना था। सामुदायिक केंद्र पर लगभग 10:30 बजे से जाँच शुरू किया गया। इस दौरान तेज धूप और भूख प्यास से श्रमिकों का हाल बेहाल था। श्रमिकों के साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। ये नजारा देखकर कोलेविरा के कुछ युवकों ने अपने लिए अल्प आहार की व्यवस्था करते हुए पानी की बोतल, बिस्किट और केले का प्रबंध किया। श्रमिकों ने बताया कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। अल्प आहार और पानी मिल जाने से श्रमिक काफी खुश नजर आए और युवकों की प्रशंसा की। अल्प आहार और पानी का वितरण करने वाले संजीत कुमार, सुबोध कुमार, ललित प्रसाद, आशीष शाह आदि मौजूद थे। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड के जनपद सिमडेगा के कोलेविरा प्रखंड में ब्लॉक के समीप बनाए गए कांग्रेस प्रखंड कमेटी ने बुधवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से भोजन पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। आपको बताते चले कि क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के द्वारा कांग्रेस प्रखंड कमेटी के पास भोजन पानी को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद बुधवार को कांग्रेस प्रखंड कमेटी ने क्वारंटाइन पहुंचकर वहां रह रहे सभी लोगों का हालचाल जाना एवं वहां मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कांग्रेस कमेटी ने वहां मिल रही सुविधाओं में कमी पाई। तत्पश्चात कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रखंड प्रशासन में इस मामले की बात की गई। प्रखंड प्रशासन ने कहा कि क्वारंटाइन में मिल रही सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुनील खड़िया, सुलभ नेल्सन डुंगडुंग, रोज प्रतिमा सोरेंग, बद्रुद्दीन अहमद, रमान मियां, श्यामलाल प्रसाद के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।